अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो गाइस, दिस इज शहजाद रसूल सज्जन एंड यू आर वाचिंग मिस्टर सज्जन यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट सिनेमैटिक मूवी ट्रेलर एनिमेशन इन अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स समथिंग लाइक दिस। सो वी आर इन अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स और ये हमारे एसेट्स हैं जो हम इस ट्यूटोरियल में यूज़ करेंगे। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको सभी एसेट्स का तारफ हो जाएगा और ये फुटेजेस हैं जो इस ट्यूटोरियल में यूज़ होंगे। आप अगर मेरे साथ ही ट्यूटोरियल बनाना शुरू कर रहे हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एसेट्स को डाउनलोड कर लीजिए और आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। ट्यूटोरियल रिक्वेस्ट, सजेशंस एंड कंप्लेन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। Anyway, as usual, first of all, I am creating new composition and name main composition 1920 by 1080, 30 frames per second and 30 seconds duration and then OK. After this, create another composition and name text 1. टेक्स्ट के रिलेटेड कम्पोजिशंस ज़्यादा बनेंगी तो आप कम्पोजिशन के नेम्स को ठीक से फॉलो कीजिए या जो भी आपने नेम रखना है कम्पोजिशन का आपको याद रहेगा किस कम्पोजिशन में आपने कौन सा वर्क किया है। एनीवे, यहाँ पर हम ड्यूरेशन 10 सेकंड्स कर देंगे, बाकी की सेटिंग सेम रहेंगी एंड देन ओके। माउस को फॉलो करें तो ये टाइटल एक्शन सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इसको एक्टिव कर लें। टेक्स्ट टूल लेके कंपोजिशन में क्लिक करें और आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे। मैंने सिंपली दिस टाइप किया है, एंकर पॉइंट सेंटर कर लें और मैं यहाँ पर बैंकर रेट्रो फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ रेगुलर वर्जन। सेटिंग्स आप अपने हिसाब से करेंगे जिस तरह से आपको ठीक लगे। हॉरिजॉन्टली सेंटर कर लें टेक्स्ट को। आफ्टर दिस डुप्लीकेट करेंगे टेक्स्ट लेयर को, नीचे प्लेस करेंगे, एडिट करके आप अपना सेकेंड टेक्स्ट लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ दिस समर, इसका साइज थोड़ा ज़्यादा आएगा समथिंग लाइक दिस। फर्स्ट टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा छोटा, एरो कीज के साथ आप इनको सेट कर लें कुछ इस तरह से। आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख सकते हैं और समर टेक्स्ट लेयर को नीचे मूव कर लें। ओके, आफ्टर दिस क्रिएट अनदर कंपोजिशन एंड नेम एश टेक्सचर 1, सेम सेटिंग्स एंड देन ओके। एश टेक्सचर कंपोजिशन में आपने एसेट के फोल्डर से प्लास्टर डर्टी का जेपैग ड्रॉप करना है टाइमलाइन में। यहाँ पर प्लास्टर डर्टी के दो जेपैग्स हैं, ये नीचे वाला 0135 लिखा हुआ है, ये वाला आपने ड्रॉप करना है और आप देख भी लें ये किस तरह से है। आफ्टर दिस टेक्स्ट 1 कंपोजिशन को ड्रॉप करेंगे टेक्स्चर लेयर के ऊपर और टेक्स्चर लेयर का ट्रैक मैट अल्फा मैट कर देंगे। ट्रैक मैट का ऑप्शन अगर नज़र नहीं आ रहा तो F4 प्रेस कर सकते हैं आप अपने कीबोर्ड पर। टेक्स्चर लेयर पर इफेक्ट एंड प्रीसेट से मोशन टाइल अप्लाई करेंगे एंड मोशन टाइल में आउटपुट वेट्स 180 एंड आउटपुट हाइट 146। मिरर एजेस पर चेक लगा लें। इसके साथ ही टेक्स्चर लेयर पर शार्पन अप्लाई करेंगे एंड शार्पन का वैल्यू 15 कर देंगे। टेक्स्चर लेयर पर एस प्रेस करेंगे एंड स्केल आप इस तरह से छोटा करेंगे, 48 तक या 50 तक स्केल कर लें। आफ्टर दिस क्रिएट अनदर कंपोजिशन एंड नेम प्री टेक्स्ट 1, सेम सेटिंग्स एंड देन ओके। राइट क्लिक करके एक न्यू सॉलिड क्रिएट करेंगे या कंट्रोल वाई प्रेस कर सकते हैं आप अपने कीबोर्ड पर। मेक श्योर कि आपका कलर वाइट है, प्योर वाइट, और नेम यहाँ पर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं बट मैं नहीं कर रहा हूँ, वाइट सॉलिड 1 एंड देन ओके। टेक्स्ट 1 कंपोजिशन को ड्रॉप करेंगे वाइट सॉलिड के ऊपर एंड वाइट सॉलिड का ट्रैक मैट अल्फा मैट कर देंगे। दोनों लेयर्स को 3D करना है एंड टेक्स्ट 1 लेयर पर P प्रेस करेंगे, पोजीशन के लिए राइट साइड का पोजीशन 21.2 कर देंगे। दोनों लेयर्स को डुप्लीकेट करना है और इनका लेबल कलर चेंज कर लेना है, एक जैसा कर लें ताकि आपको पता रहे कि ये सेपरेट सेपरेट लेयर्स हैं। ऊपर वाले टेक्स्ट 1 लेयर पर अगेन P प्रेस करेंगे और राइट साइड का पोजीशन चेंज करके 5.4 कर देंगे। अगेन दोनों लेयर्स को डुप्लीकेट करेंगे, लेबल कलर चेंज कर लेंगे और ऊपर वाले टेक्स्ट लेयर पर P प्रेस करेंगे, पोजीशन यहाँ पर 13 कर देंगे।
मैंने पोजीशंस की डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दी हैं, आपको बताया नहीं कि पोजीशन से आगे पीछे ये किस तरह से हमारा टैक्स सेट हो रहा होगा, बिकॉज ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने पहले प्रैक्टिस किया होता है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देता हूँ। आपने वैल्यूज़ को आगे पीछे करके देख लेना है कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। मेरा मकसद है आपको कंसेप्ट समझाना, आपने इस चीज़ पर नहीं रहना कि जैसे मैंने बनाया सेम वैसे बनाना है, डिफरेंट होना चाहिए। और कोशिश करें कि मुझसे अच्छा बनाएं, फिर ही आपको समझ आएगा, फिर ही आपके सीखने का कोई फ़ायदा है। सो एनीवे, आफ्टर दिस टेक्स्ट वन कंपोजिशन को अगेन ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में, 3D करेंगे और इस टेक्स्ट वन लेयर पर ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे। ड्रॉप शेडो में ओपेसिटी 75, डायरेक्शन 177 डिग्री, डिस्टेंस 2.0 एंड सॉफ्टनेस 6.0। लेबल कलर यहाँ पे चेंज कर लें। आफ्टर दिस प्रोजेक्ट पैनल से एश टेक्सचर वन कंपोजिशन को ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में, 3D करेंगे। लेबल कलर यहाँ पर भी चेंज कर लें। आफ्टर दिस अगेन टेक्स्ट वन कंपोजिशन को ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में, लेबल कलर चेंज, 3D करेंगे, पी प्रेस करेंगे और राइट साइड का पोजिशन -4 कर देंगे एंड मोड नॉर्मल से चेंज करके सॉफ्ट लाइट कर देंगे। मोड का ऑप्शन नहीं है तो उसके लिए भी आप F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर। और इसी टेक्स्ट वन लेयर पर सिंपल चोकर अप्लाई करेंगे एंड सिंपल चोकर में वैल्यू 2.0, इसके साथ ही टिंट अप्लाई करेंगे एंड टिंट में दोनों कलर ब्लैक कर देंगे। इसके साथ ही राउंड एजेस अप्लाई करेंगे एंड राउंड एजेस में वैल्यूज बॉर्डर 4, ओके। और इसके बाद ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे। ड्रॉप शेडो में ओपेसिटी 85% एंड डिस्टेंस 0 एंड सॉफ्टनेस 3। टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, मोड चेंज करके ऐड कर देंगे और इफेक्ट्स कंट्रोल में सिंपल चोकर को डल कर देना है और ड्रॉप शेडो को डल कर देना है एंड टिंट में कलर चेंज करेंगे समथिंग लाइक दिस। दोनों कलर सेम कर लेने आपने, सेंट्रल ग्रे, और रॉन एजेस में बॉर्डर का वैल्यू 16 कर देना है एंड एज टाइप रस्टी कर देना है। नीचे वाला जो टेक्स्ट वन है जो सॉफ्ट लाइट हमने बनाया था, यहाँ पर भी रॉन एजेस में एज टाइप चेंज करना है फोटोकॉपी। वापस सबसे ऊपर वाले टेक्स्ट वन लेयर में आएंगे, रॉन एजेस को डुप्लीकेट करेंगे और सेकंड रॉन एजेस में एज टाइप कट कर देंगे एंड बॉर्डर का वैल्यू 4 कर देंगे, स्केल 50 कर देंगे एंड कॉम्प्लेक्सिटी 0। आफ्टर दिस टेक्स्ट वन लेयर को अगेन डुप्लीकेट करेंगे, मोड चेंज करके सॉफ्ट लाइट कर देंगे एंड इफेक्ट कंट्रोल में टिंट एंड रॉन एजेस को डल कर देना है, सिंपल चोकर अप्लाई करना है, सिंपल चोकर में चौक मैट का वैल्यू 3.0 कर देना है एंड मेक श्योर रहे कि सिंपल चोकर जहां भी अप्लाई करना है व्यू के सामने फाइनल आउटपुट ही सिलेक्ट होना चाहिए। आफ्टर दिस प्रोजेक्ट पैनल से अगेन टेक्स्ट वन कंपोजिशन को ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में, मोड चेंज करके ओवरले कर देंगे, 3D करेंगे एंड राइट साइड का पोजीशन 8.5 कर देंगे। यहाँ पर अगेन सिंपल चोकर अप्लाई करेंगे, चौक मैट का वैल्यू 4 कर देंगे, साथ ही टिंट अप्लाई करेंगे एंड टिंट में कलर समथिंग लाइक दिस डार्क ग्रे, दोनों कलर सेम कर लेने हैं। ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे, शेडो कलर में भी ये वाला डार्क ग्रे कलर लेंगे, ओपेसिटी 100% एंड सॉफ्टनेस 6, डिस्टेंस 0। थर्ड टेक्स्ट लेयर जिसका मोड हमने ऐड किया था, इस लेयर का ट्रैक मैट हमने अल्फा इन्वर्टेड मैट कर देना है। आफ्टर दिस क्रिएट अनदर कंपोजिशन एंड नेम टाइटल वन, सेम सेटिंग्स एंड देन ओके। टाइटल वन में सबसे पहले एसेट के फोल्डर से मेटल जेपैग ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में, लेयर को 3D करेंगे, एस प्रेस करेंगे और स्केल छोटा करेंगे समथिंग लाइक दिस 80 तक, राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू सॉलिड क्रिएट करेंगे, प्योर ब्लैक सॉलिड क्रिएट करना है आपने, नेम विंटेज वन देन ओके। विंटेज लेयर आपका सिलेक्टेड होना चाहिए और आप पेन टूल लेंगे और इस तरह से एक शेप क्रिएट करेंगे, ये एक मास्क क्रिएट हुआ। विंटेज लेयर को एक्सपेंड करेंगे, मास्क वन में आएंगे, इन्वर्टेड पे चेक लगा देना है एंड मास्क फैदर 500, मास्क एक्सपेंशन -250। टी प्रेस करना है विंटेज लेयर पर एंड ओपेसिटी 90%। आफ्टर दिस टेक्स्ट वन लेयर को ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में, नेम चेंज करके यहाँ पे आप साथ शेडो लिख दें, 3D करेंगे टेक्स्ट वन शेडो लेयर को एंड इफेक्ट एंड प्रीसेट से टिंट अप्लाई करेंगे, टिंट में दोनों कलर ब्लैक, टिंट के साथ ही आप CC रेडियल ब्लर अप्लाई करेंगे, ब्लर में अमाउंट 45 एंड क्वालिटी 50 एंड टाइप फेडिंग जूम कर देंगे। रेडियल ब्लर के साथ ही आप ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे, ड्रॉप शेडो में ओपेसिटी 100%, डायरेक्शन 177 डिग्री, डिस्टेंस 8 एंड सॉफ्टनेस 6। ड्रॉप शेडो को डुप्लीकेट कर देंगे वन टाइम। आफ्टर दिस प्रोजेक्ट पैनल से प्री टेक्स्ट वन कंपोजिशन को ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में और टेक्स्ट वन शेडो पर पी प्रेस करेंगे, राइट साइड का पोजीशन इंक्रीज करेंगे समथिंग लाइक दिस,
विंटेज और मेटल को हाइड करके आप चेक करें. ओके इट्स परफेक्ट. आफ्टर दिस प्रोजेक्ट पैनल में फुटेज के फोल्डर से स्पार्क्स फुटेज को ड्रॉप करना है टाइमलाइन में. मोड ऐड कर देना है नॉर्मल से. प्री टेक्स्ट वन एंड टेक्स्ट वन शेडो दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके आप मोशन ब्लर एक्टिव कर लेंगे एंड स्पार्क्स लेयर को 1 सेकेंड लेफ्ट साइड पर मूव कर लें. ओके आफ्टर दिस राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे. लेयर का नेम चेंज करके सीसी लिख लें. सीसी लेयर पर ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई करेंगे. मास्टर सैचुरेशन -30 कर दें और साथ ही टिंट अप्लाई करेंगे. टिंट में अमाउंट ऑफ टिंट 60 कर देंगे. आफ्टर दिस सीसी लेयर को डुप्लीकेट करेंगे. नेम चेंज करके आप ह्यू सैच लिख लें. लेबल कलर चेंज कर लें ताकि हमें याद रहे ये सेपरेट लेयर है. और यहाँ पर मास्टर ह्यू 1 कर देंगे एंड 33 डिग्री. अमाउंट ऑफ टेंट 75%. मोड नॉर्मल से स्क्रीन कर देंगे एंड ओपेसिटी 75%. लेयर आपका सिलेक्टेड होना चाहिए. आप एलिप्स टूल लेंगे और सेंटर से इस तरह एक मास्क क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड शिफ्ट को प्रेस करके होल्ड करके. ओके मास्क पे डबल क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ इस तरह से ऊपर की साइड ले जाएंगे समथिंग लाइक दिस. मास्क वन को एक्सपेंड करेंगे एंड मास्क फेदर 600 कर देंगे. आफ्टर दिस राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू सॉलिड क्रिएट करेंगे. सॉलिड का नेम मिस्ट एंड देन ओके. इफेक्ट एंड प्रीसेट से फिल अप्लाई करेंगे मिस्ट लेयर पर. फिल में कलर प्योर वाइट. टी प्रेस करेंगे एंड ओपेसिटी 25% कर देंगे. आफ्टर दिस ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर को सिलेक्ट करेंगे. इफेक्ट कंट्रोल्स में मास्टर सैचुरेशन +10 कर देंगे. अभी ये परफेक्ट है. एंड आफ्टर दिस एसेट के फोल्डर से लेंस टेक्सचर का PNG ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में. लेयर आपका सिलेक्टेड होना चाहिए. पेन टूल लेंगे और इस तरह से एक शेप क्रिएट करेंगे. लेयर को एक्सपेंड करेंगे. मास्क वन में आएंगे एंड मास्क फेदर 785. मोड नॉर्मल से स्क्रीन कर देंगे एंड इफेक्ट एंड प्रीसेट से टिंट अप्लाई कर देंगे. और टिंट में सेम यही कलर्स रहेंगे. सेटिंग सेम रहेंगी टिंट की. ओके आफ्टर दिस राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू कैमरा क्रिएट करेंगे. मैं 35mm का कैमरा ले रहा हूँ यहाँ पर एंड देन ओके. कैमरा लेयर पर P एंड शिफ्ट R प्रेस करेंगे. 2 सेकेंड एंड 10 फ्रेम्स पर पोजीशन एंड Z रोटेशन पर की फ्रेम. राइट साइड का पोजीशन नेगेटिव करेंगे थोड़ा सा समथिंग लाइक दिस. एंड 0 ड्यूरेशन पर राइट साइड का पोजीशन आपने पॉजिटिव करना है. कैमरा क्लोजर करना है समथिंग लाइक दिस. एंड Z रोटेशन का वैल्यू 15 कर देंगे. चारों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है. राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट एंड मेक इजी ईज एंड ग्राफ एडिटर में आएंगे. ग्राफ एडिटर का लुक अगर आपको ऐसा नहीं नज़र आ रहा तो राइट क्लिक करके आप एडिट स्पीड ग्राफ पे चेक लगा लें और ग्राफ का लुक हम कुछ इस तरह से चेंज करेंगे. ओके इट्स परफेक्ट. 2 सेकेंड एंड 10 फ्रेम्स पर आप एन प्रेस कर लेंगे. एक टाइटल हम और क्रिएट करेंगे. बाकी के सीन्स आप खुद क्रिएट करेंगे. मैं जस्ट आपको कंसेप्ट समझा दिया है. एक सीन और क्रिएट करके मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद हम फिर मेन कंपोजिशन की तरफ चलेंगे. तो सेकंड टाइटल के लिए सबसे पहले आपने टाइटल 1 कंपोजिशन को डुप्लीकेट करना है. टाइटल 2 एंड ओपन करना है. उसके बाद टेक्स्ट 1 कंपोजिशन को डुप्लीकेट करना है ओपन करना है. यहाँ पर आपने अपना सेकेंड टेक्स्ट लिखना है. आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिखेंगे. ओके टाइटल 2 में आना है. टेक्स्ट 1 शेडो कंपोजिशन को सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट 2 कंपोजिशन के साथ रिप्लेस कर देना है एंड नेम चेंज करके टेक्स्ट 2 शेडो बन जाएगा. आफ्टर दिस प्रोजेक्ट पैनल से प्री टेक्स्ट 1 कंपोजिशन को डुप्लीकेट करना है एंड ओपन करना है. और यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट 1 के कंपोजिशन हैं सबको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से और टेक्स्ट 2 के साथ रिप्लेस कर देना है. आफ्टर दिस प्रोजेक्ट पैनल में एश टेक्स्चर 1 को डुप्लीकेट करना है ओपन करना है और यहाँ पर भी टेक्स्ट 1 कंपोजिशन को टेक्स्ट 2 कंपोजिशन के साथ रिप्लेस कर देना है. अल्ट को प्रेस करके प्री टेक्स्ट 2 में आना है और एश टेक्स्चर 1 को एश टेक्स्चर 2 के साथ रिप्लेस कर देना है. टाइटल 2 में आएंगे और यहाँ पर प्री टेक्स्ट 1 को प्री टेक्स्ट 2 के साथ रिप्लेस कर देंगे. इस तरह से ये हमारा सीन 2 क्रिएट हो गया. आफ्टर दिस क्रिएट अनदर कंपोजिशन एंड नेम सीन 1 सेम सेटिंग्स एंड देन ओके. सीन 1 में टाइटल 1 कंपोजिशन को ड्रॉप करना है. सिंपली 2 सेकेंड एंड 10 फ्रेम्स पर एन प्रेस कर लेना है. प्रोजेक्ट पैनल में सीन 1 को डुप्लीकेट करना है ओपन करना है और टाइटल 1 को टाइटल 2 के साथ रिप्लेस कर देना है. आफ्टर दिस मेन कंपोजिशन में आएंगे. राइट क्लिक करके एक न्यू सॉलिड क्रिएट करेंगे ब्लैक सॉलिड और मैं नेम इसका BG लिख रहा हूँ बैकग्राउंड. बैकग्राउंड लेयर के बाद सीन 1 को ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में एंड सीन 2 को ड्रॉप करेंगे.
सीन टू को सीन वन के आगे प्लेस करेंगे, 2 सेकंड एंड 10 फ्रेम्स का हमारा सीन है, तो नेक्स्ट सीन 2 सेकंड एंड 10 फ्रेम्स पर आएगा एंड 4 सेकंड एंड 20 फ्रेम्स पर हम टाइमलाइन क्लोज कर लेंगे। आप इसमें वीडियोस भी ऐड करेंगे, जिस तरह से आपने प्रोमो में देखा कि वीडियोस भी ऐड किए हैं, वो सिंपली आपने आगे वीडियो ऐड करते जाना है, उसके बाद सीन को ऐड करते जाना है, बहुत सिंपल स्टेप है। या आप फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। एनीवे, आफ्टर दिस फुटेज के फोल्डर से कलर पार्टिकल फुटेज ड्रॉप करना है टाइमलाइन में, मोड नॉर्मल से स्क्रीन कर देना है। एंड आफ्टर दिस एश पार्टिकल फुटेज को ड्रॉप करना है टाइमलाइन में, इसका भी मोड स्क्रीन कर देंगे। आफ्टर दिस एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे, CC1 लेयर पर कर्व्स अप्लाई करेंगे एंड कर्व्स में आप RGB लाइन का शेप कुछ इस तरह से बनाएंगे, समथिंग लाइक दिस। डुप्लीकेट करेंगे CC लेयर को एंड RGB लाइन का शेप कुछ इस तरह से बनाएंगे और रेड लाइन थोड़ा सा नीचे, ग्रीन भी थोड़ा सा नीचे एंड ब्लू लाइन थोड़ा सा ऊपर, ओके। एंड साथ ही शार्पन अप्लाई करेंगे, शार्पन का वैल्यू 10 कर देंगे। दोनों लेयर्स को डुप्लीकेट करेंगे, सेपरेट करेंगे एंड ओपेसिटी यहाँ पर 35 कर देंगे। आफ्टर दिस प्रोजेक्ट पैनल से एसेट के फोल्डर से बैकग्राउंड JPEG का इमेज ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में, एक्सप्रेस करेंगे स्केल समथिंग लाइक दिस एंड मोड नॉर्मल से स्क्रीन कर देंगे। टी प्रेस करेंगे एंड ओपेसिटी 70%। डुप्लीकेट करेंगे, आर प्रेस करेंगे, रोटेशन 180। आफ्टर दिस प्रोजेक्ट पैनल में फुटेज के फोल्डर से ऑप्टिकल फ्लेयर्स फुटेज ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में, मोड नॉर्मल से स्क्रीन कर देंगे। एक और एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे, नेम चेंज करके ब्लर बॉर्डर लेयर आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेंगे, इस तरह से एक मास्क क्रिएट करेंगे समथिंग लाइक दिस एंड ब्लर बॉर्डर लेयर पर CC रेडियल ब्लर अप्लाई करेंगे, अमाउंट 40 एंड क्वालिटी 35, टाइप फेडिंग जूम एंड लेयर को एक्सपेंड करके इन्वर्टेड पे चेक लगा देंगे। टी प्रेस करेंगे ओपेसिटी के लिए एंड ओपेसिटी 40%। राइट क्लिक करके एक और न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे, इस टाइम पे नेम CC5, कर्व्स अप्लाई करेंगे अगेन और इस टाइम पे RGB लाइन समथिंग लाइक दिस एंड शार्पन अप्लाई करेंगे, शार्पन का वैल्यू 20। बैकग्राउंड के दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके ओपेसिटी थोड़ा और कम कर लें, लाइक 50 तक, ओके। राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू सॉलिड क्रिएट करेंगे, नेम साइनमा बॉक्स, ब्लैक कलर में। लेयर आपका सिलेक्टेड होना चाहिए और आप रेक्टेंगल टूल लेंगे, बिल्कुल सेंटर से आपने मास्क क्रिएट करना स्टार्ट करना है, कंट्रोल को प्रेस करके और इस तरह से मास्क क्रिएट करेंगे समथिंग लाइक दिस। लेयर को एक्सपेंड करके इन्वर्ट कर देंगे। CC5 लेयर को डुप्लीकेट करेंगे एंड RGB लाइन का शेप कुछ इस तरह से बनाएंगे, ओके। सो नाउ इट्स परफेक्ट एंड ब्लर बॉर्डर लेयर को सिलेक्ट करके एक्सपेंड करेंगे, मास्क 1 में आएंगे, मास्क फेदर 500 कर देंगे। सो गाइज, ये था आज का हमारा सिनेमैटिक मूवी ट्रेलर एनिमेशन जो हमने Adobe After Effects में बनाया। इन्हीं सीन्स को डुप्लीकेट करके आप और सीन क्रिएट करेंगे टाइटल्स के, इन्हीं सीन्स के आगे आप वीडियो फुटेजेस भी ऐड करके एक कंप्लीट सिनेमैटिक ट्रेलर बना लेंगे, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा। अगर आप फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें समझ आ जाएगा कि किस तरह से मैंने आगे वीडियोस ऐड की, बिल्कुल सिंपल है। उसमें अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती कि जो आपको ज़रूरी है बताने वाली, तो मैं आपको ज़रूर गाइड करता। आपने सिंपली बस छोटे छोटे क्लिप्स लाइक 2 सेकंड 3 सेकंड के आपने ऐड करने हैं और बीच में टाइटल सीन्स को ऐड करते जाना है। फाइल एज इट इज़ डाउनलोड कर लेंगे आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज ज़रूर कीजिएगा और आप इस तरह का ट्रेलर अगर बनाएं ट्यूटोरियल देख के, तो मेरे साथ ज़रूर लिंक शेयर कीजिएगा, मैं अप्रिशिएट करूँगा और आपके बनाए हुए ट्रेलर को शेयर भी करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगेबान।